वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बार्टेंडर। फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो से मैं करूंगा ब्लेंडर स्प्राइट एंड सिग्नेचर का कंपैरिजन, और यहां से मैं आपको बताऊंगा इन दोनों में कौन बेस्ट है। फ्रेंड्स, एक चीज ध्यान कीजिए, रिसेंटली बहुत सारा ब्रांड है जो ब्रांड को रीलॉन्च कर रहा है, जैसे कि सिग्नेचर यहाँ पर है। देखिए, नए ब्रांडिंग के साथ, एक नए लुक के साथ आए हैं, और पास पास आप देखेंगे कि कुछ ब्रांड है जो बहुत साल से अच्छा करते आए हैं और सालों साल अच्छा कर रहे हैं। बट यहाँ पर एक कैच है, जो पुराने ब्रांड है जो रीलॉन्च कर रहा है अपना ब्रांड को, उस पर बहुत कुछ ट्विस्ट लेकर आ रहा है, और उससे आप अगर वाकिफ नहीं हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। अगर आप वही घिसा पिटा ब्रांड के साथ चिपके हुए हैं तो अब चेंज करने का टाइम आ चुका है। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं आज का कंपैरिजन वीडियो, जहां से मैं आपको बताऊंगा कौन है विनर इन दोनों में। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये दो जो ब्रांड है, इन दोनों ब्रांड को मैं इसलिए चुना कि इन दोनों का जो प्राइस है ऑलमोस्ट सेम है, 700 से लेकर 1000 के अंदर अंदर। साथ साथ ये दो ब्रांड ऑलमोस्ट सेम कैटेगरी है, टेस्ट भी ऑलमोस्ट सेम करता है। बट यहाँ पर और एक कैच है, और वो है कि आजकल कौन अच्छा कर रहा है, वो बहुत वाइटल है जानना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं सिग्नेचर से शुरू करूंगा। ये देखिए वो बॉटल, ये बॉटल काफी चेंज हो चुका है। इसको कहा जाता है ऑल न्यू सिग्नेचर। आप अगर देखेंगे पुराने बॉटल को तो वो ऑक्टागोनल शेप में था, एक राउंड शेप में था, बट ये बहुत हैंडी एंड बहुत कॉम्फर्ट बन चुका है इसका बॉटल शेप। आप अगर नोटिस करेंगे तो इसका जो चेहरा है वो बिल्कुल बदल चुका है। आप देखिए कि यहाँ पर गोल्डन, ब्राउन एंड वाइट का कॉम्बाइन करके, कलर को कॉम्बाइन करके इस यूनिक बॉटल को डिजाइन की गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस विस्की को बनाने के लिए सस्टेनेबिलिटी के ऊपर ध्यान रखा गया है। जी हाँ, ये जो ग्रीन बॉटल है ना, ये रिसाइकल ग्लास से बनाया गया है। जो बॉटल बनाने के बाद फेंका जाता है उसी को, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका बॉटल डिज़ाइन और न्यू लुक मुझे बहुत अच्छा लगा, और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बहुत ध्यान दिया गया है। आप अगर नोटिस करेंगे, इसका जो बॉक्स आते हैं ना, वो सर्टिफाइड सस्टेनेबिलिटी पेपर बोर्ड है। जी हाँ, वो बॉक्स में भी सस्टेनेबिलिटी को ध्यान रखा गया है। तो उस हिसाब से सिग्नेचर को मैं बोलूँगा कि एक यूनिक पैकेजिंग और यूनिक लुक्स के साथ आया है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा है। अब पास पास में अगर ब्लेंडर्स का बात करूँ तो वही घिसा पीटा डिज़ाइन है, वही लुक्स है। मतलब आपको, मतलब उसमें कुछ नयापन नहीं है। अभी टाइम आ चुका है ब्लेंडर्स को भी कुछ नया करने का। एनीवे, बट अगर आप देखेंगे तो ट्रेडिशनल लुक है, और ये देखने में ऑलमोस्ट शिवास बॉटल का जो लुक्स है, वो शिवास रिगल का जो बॉटल है वैसे लुक्स है। बेल शेप है, घंटा शेप है, एंड क्रिस्टल क्लियर ग्लास है। तो यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में नहीं रखा गया है, आजकल जो सब ध्यान रखते हैं। एनीवे, तो बॉटल डिज़ाइन का अगर बात करूँ तो उसमें सिग्नेचर काफ़ी आगे जा चुका है, स्पेशली ग्रीन बॉटल के चलते। ब्लेंडर स्प्राइट का अगर मार्केट शेयर का बात करूँ तो अभी भी ब्लेंडर स्प्राइट का मार्केट शेयर बहुत हाई है, बहुत अच्छे सेल होता है ब्लेंडर स्प्राइट का। बट इस ब्रांड को जब लॉन्च किया गया था 1995 में, उससे पहले सिग्नेचर को लॉन्च किया गया था 1994 में। बट सिग्नेचर को जब लॉन्च किया गया था तब उसको सुपर प्रीमियम कैटेगरी में लॉन्च किया गया था, हालांकि सिग्नेचर उतना अच्छा नहीं कर पाया था। बाद में, मतलब 2001 में फिर से ब्रांड को लॉन्च किया गया और प्रीमियम विस्की के नाम पे लॉन्च किया गया। तब 2009 एंड 10 में ये ब्रांड, मतलब सिग्नेचर विस्की, 1 मिलियन केसेस का जो माइलस्टोन है, सेल का जो माइलस्टोन है, वो पार कर गया था। बट 1995 में जब ब्लेंडर स्प्राइट को लॉन्च किया गया था, तब से सिग्नेचर का सेल थोड़ा थोड़ा करके नीचे जा रहा था, और ब्लेंडर स्प्राइट तहलका मचा रहा था ऑल अक्रॉस इंडिया। और 2012 आते आते ब्रांड ने 6 मिलियन केसेस का जो बहुत बड़ा माइलस्टोन है उसको भी पार कर गया था। उसके बाद ब्लेंडर स्प्राइट का हाइप इस कदर छाया इंडिया में कि हर कोई बोलने लगा कि मैं पीऊंगा तो भाई ब्लेंडर स्प्राइट ही पीऊंगा, और तो मैं पीऊंगा ही नहीं। बट जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि हर एक कंपनी का उतार चढ़ाव है, और साथ साथ
क्वालिटी का डिक्रीज भी होता है। तो आजकल ब्लेंडर स्प्राइट का क्वालिटी बहुत डिक्रीज हो चुका है, आज आपको वो टेस्ट नहीं मिलता है जो हम लोग को पहले मिलता था। तो पास क्या हो रहा है कि बहुत सारे न्यू ब्रांड आने के बाद ब्लेंडर स्प्राइट का सेल थोड़ा थोड़ा करके नीचे जा रहा है और पब्लिक ना आजकल काफ़ी एक्सपेरिमेंटल हो चुका है। तो इसीलिए जितने भी पुराने ब्रांड है, जो स्टैब्लिश ब्रांड है, वो भी नए लुक के साथ, नए अवतार के साथ आ रहा है। जैसे कि ये है सिग्नेचर, देखिए नए लुक के साथ आया है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये कि इन दोनों की ब्लेंड में क्या चेंजेस हुआ है, रेसिपी में क्या चेंजेस हुआ है। मैं पहले ब्लेंडर स्प्राइट का बात करूंगा। ब्लेंडर स्प्राइट में कोई भी चेंजेस अभी तक नहीं आया है। ब्लेंडर स्प्राइट में जो रेसिपी को फ्रॉम द बिगिनिंग फॉलो किया जा रहा था वही रेसिपी है। जैसे कि इसमें है स्कॉच व्हिस्की, माल्ट स्पिरिट एंड न्यूट्रल स्पिरिट का कॉम्बिनेशन। माल्ट स्पिरिट एंड न्यूट्रल स्पिरिट इंडिया से प्रोक्योर किए जाते हैं और स्कॉटलैंड से स्कॉच व्हिस्की को मंगवा के यहाँ पर मिलाते हैं। परसेंटेज कितना है, 2 to 12, क्लियर नहीं है कि कितना मात्रा में मिलाते हैं। और ये भी क्लियर नहीं है कि इसके अंदर में जो स्कॉच व्हिस्की को मिलाया गया है वो कितना साल पुराना है, क्लियर नहीं है। बट यही है, मतलब इसका जो ब्लेंड है यही है और यही धमाल कर रहा है इंडिया में। बट यहाँ पर और एक टेक्निक को इस्तेमाल की गई है और वो है हॉट एंड कोल्ड कास्क टेक्निक। और ये टेक्निक एक यूनिक टेक्निक है, मैं बताऊंगा, जिसके कारण शायद ब्लेंडर्स पर इतना पॉपुलर है। कास्क को, मतलब जहाँ पर व्हिस्की को मैच्योर किए जाते हैं, कुछ कास्क को बाहर रखा जाता है डिस्टिलरी के बाहर, उसको बोलते हैं हॉट, एंड कुछ कास्क को डिस्टिलरी के अंदर में, मतलब अंडरग्राउंड प्लेस में रखा जाता है, उसको बोलते हैं कोल्ड कास्क। और इन दोनों कास्क का जो मैच्योरेशन पीरियड है ना, वो अलग अलग होते हैं। ऊपर में जो सनलाइट के सामने है वो बहुत क्विक मैच्योर करते हैं और जो नीचे है वो स्लो मैच्योर करते हैं। अब इन दोनों को अगर मिला देंगे साथ में इंडियन मॉल स्पिरिट एंड इंडियन ग्रेन स्पिरिट या न्यूट्रल स्पिरिट को अब मिलाएंगे तो एक यूनिक ब्लेंड तैयार होकर आती है। तो इसीलिए ब्लेंडर स्प्राइट आज यूनिक है, हटके है। बट मैं बोलूंगा कि अगर सिग्नेचर के ऊपर ध्यान करेंगे तो यहाँ पर भी काफ़ी कुछ बदल चुका है। सिग्नेचर में भी माल्ट स्पिरिट, स्कॉच व्हिस्की एंड न्यूट्रल स्पिरिट का कॉम्बिनेशन है। बट यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ को समझना है कि यहाँ पर आइले एंड हाईलैंड रीजन का 10 अलग अलग डिस्टिलरीज का व्हिस्कीज को मिलाया गया है और जो भी व्हिस्कीज को मिलाया गया है वो मोस्टली 8 ईयर्स एंड अबव है। 8 साल पुराना व्हिस्कीज को यहाँ पर मिलाया गया है जो इस व्हिस्की को बिल्कुल अलग करते हैं। तो इसीलिए सिग्नेचर व्हिस्की क्वाइट यूनिक बन जाते हैं क्योंकि वैल्यू जो है ना बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है, बिकॉज इसमें एटलीस्ट 8 ईयर्स ओल्ड व्हिस्की तो है। मतलब आपको वो स्कॉच व्हिस्की का सारे फ्रेग्रेंस और नोट मिलने लगेंगे जब आप इसको पियेंगे। जो घिसा पीटा ब्रांड है उससे हटके आइए नए ब्रांड की तरफ झांकिए और देखिए कि कितना यूनिक है। फ्रेंड्स, मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये कोई बायर्स रिव्यू नहीं है, सिग्नेचर मुझे कोई पैसा नहीं दिया है, मैं खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं और जो रिवॉल्यूशन चल रहा है इंडिया में व्हिस्कीज के ऊपर उसको आपके सामने ला रहा हूं। अब आपकी मर्जी, जो समझे आप वो लिख सकते हैं। प्राइस तो मैंने आपको बता ही दिया था कि 700 से 1000 के अंदर अंदर में आपको ये दोनों ब्रांड मिल जाएंगे। चलिए तो फिर टेस्ट करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं दोनों का टेस्ट कैसा है। फ्रेंड्स, प्लीज ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। व्हिस्की बना है एंजॉयमेंट के लिए, ना कि इंटॉक्सिकेशन के लिए। तो मैं दोनों ब्रांड को पोर कर रहा हूँ सो दैट आई कैन कंपेयर प्रॉपरली। तो मैं 30 ml पोर कर लिया। चलो तो पहले मैं ब्लेंडर स्प्राइट को लूंगा और इसका जो कलर है इसमें आर्टिफिशियल कलर 150A को मिलाया गया है, तो इसका कलर जज करने का कोई मतलब नहीं बैठता है, व्हिस्की का कलर यहाँ पर मिलाया गया है। चलिए नोज करते हैं। पहले मैं बताऊंगा कि ब्लेंडर स्प्राइट काफी स्ट्रॉन्ग है, ओवरपावरिंग है। आपका मतलब आपको लगेगा कि आप एक बजट फ्रेंडली व्हिस्की पी रहे हैं। पास मैं बोलूंगा हल्का ऊडी नोट आपको मिलते हैं। हाँ जी हाँ, लिटिल बिट ऑफ वनीला, बहुत कम, बट पीट एंड हनी नोट्स भी आपको मिलते हैं।
एंड बहुत लाइट स्मोकी नोट आपको मिलते हैं उसकी से। चलिए पैरेट में लेके आपसे बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग है, देखिए इस विस्की के साथ बहुत लोगों का यादें जुड़े हुए हैं, इस विस्की के साथ बहुत लोग नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं, इस विस्की को बहुत बंदों ने अपना जो विस्की ड्रिंकिंग एक्सपीरियंस है वो शुरू किया था इस विस्की के साथ, तो कहीं ना कहीं आपका जो इन्वॉल्वमेंट है इस विस्की के साथ शायद बहुत गहरे तरीके से है। बट फिर भी मैं बोलूँगा कि अगर आप कंटिन्यू इस विस्की के साथ है तो अभी ना आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये जो मैंने विस्की पिया और आजकल जो विस्कीज मैं पीता हूँ इसी सेगमेंट में, इसी प्राइस सेगमेंट में, ये काफ़ी बेहतर बन चुका है। मैं सिग्नेचर का बात नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारा ब्रांड है जो सच में इस विस्की से तो बेहतर टेस्ट देते हैं। एनीवे, मुंह थोड़ा सा जल रहा था एंड जब मैं फील कर रहा था कि ये चलते हुए थोड़े से नीचे की तरफ आ रहा है, देखिए ये सिंपल है, बजट को ध्यान में रखते हुए मैं कभी भी बोलूँगा नहीं कि ये गलत है, बट इससे बेहतर आपको मिल सकता है, मैं इसीलिए ये कंपैरिजन वीडियो बना रहा हूँ। फ्रेंड्स, जल तो रहा है साथ साथ आपको स्मोकी नोट जो है वो काफ़ी प्रोमिनेंट होते हैं, हल्का हनी नोट्स आपको फिर भी माउथ में मिलते हैं, फ्रूटीनेस का एहसास आपको थोड़ा बहुत होता है, हल्का एप्पल का नोट भी आपको मिलते हैं, बट कहीं ना कहीं वो जो रॉ स्पिरिट है ना, न्यूट्रल स्पिरिट, वो काफ़ी भारी मात्रा में आपका मुंह में एहसास देकर जाता है कि यार कहीं ना कहीं वो रॉ स्पिरिट तो है, उसका पंच है। और फिनिश में मैं बोलूँगा ये स्ट्रॉन्ग एक फिनिश आपको देकर जाता है। पास पास में अगर सिग्नेचर का बात करूं तो मैं बोलूंगा कि इसमें भी आर्टिफिशियल कलर 150A को मिलाया गया है, तो कलर के बारे में बात करना बेकार है। चलिए नोज करते हैं, फ्रेंड्स मैं एक बात यहां पर जुड़ना चाहूंगा कि पहले के सिग्नेचर का मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ऑल न्यू सिग्नेचर के बारे में बात, और यहां पर ये उसके काफ़ी माइल्ड हो गया है एज कम्पेयर टू प्रीवियस सिग्नेचर। साथ साथ मैं बोलूँगा कि ब्लेंडर के मुकाबले ये काफ़ी माइल्ड लग रहा है, आपका नाक का बाल नहीं जलाएगा, आप काफ़ी क्लोज नोज करेंगे तो भी आपको ये माइल्ड लगेगा, स्मूथ लगेगा जो मुझे लग रहा है। पास पास मैं बोलूँगा कि इसमें फ्रूटी नोट्स जो है काफ़ी प्रोमिनेंट है आपको मिलता है, साथ साथ वुडी नोट्स भी आप बहुत अच्छी तरीके से एहसास कर सकते हैं, एंड हिंट ऑफ वेनिला अब कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। चलिए टेस्ट करते हैं, नाइस स्मूथ। देखिए जलन तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, मैं गलत नहीं बोलूंगा, नीट पी रहा हूं तो थोड़ा बहुत तो लग रहा है, बट कंपेयर करूंगा ब्लेंडर से तो ये काफ़ी आगे निकल चुका है। फ्रेंड्स विश्वास ना हो तो एक फाइल खरीद कर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। साथ साथ जब भी आप पीते हैं तो इसका जो लाइट मीडियम बॉडी है ये काफ़ी हद तक आपको एक लिंगरिंग इफेक्ट देता है, साथ में वो जो वेनिलिक नोट्स है वो काफ़ी प्रोमिनेंट होता है यहाँ पर, पास पास आपको वो जो वुडी नोट है वो भी काफ़ी हद तक इंक्रीज होती है, वो इसकी थोड़ा सा क्रीमी लगेगा आपको एंड लाइट स्वीटनेस के साथ आपको ये एक वंडरफुल फिनिश देता है जो काफ़ी स्मूथ एंड बहुत बैलेंस एक टेस्ट देकर जाते हैं, हल्का मैं बोलूँगा बहुत हल्का स्पाइसी नोट आपको मिलता है फिनिश में। तो दोनों विस्की को टेस्ट करने के बाद मैं अगर कंक्लूशन में आऊँ तो मैं इस बार भी सिग्नेचर को ही आगे रखूंगा, मतलब सिग्नेचर इज द क्लियर विनर। क्यों? क्योंकि मेरे पैलेट में सिग्नेचर बहुत अच्छा लगा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस सिग्नेचर, साथ साथ इसमें जो एक्सपेरिमेंट की गई है, जो वैल्यू इसमें ऐड की गई है वो ब्लेंडर स्प्राइट से काफ़ी आगे है, सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए होल पैकेजिंग को किया गया है,
जैसे कि ग्रीन बॉटल एंड वो जो पेपर बोर्ड बॉक्स है वो सब एज कम्पेयर टू ब्लेंडर्स पैक वो काफ़ी आगे लेकर जाता है सिग्नेचर व्हिस्की को। पास पास मैं बोलूँगा लुक्स वाइज सिग्नेचर काफ़ी आगे है एज कम्पेयर टू ब्लेंडर्स पैक। एंड फाइनल कंक्लूशन में मैं बोलूँगा कि भाई टेस्ट जो है ना ये काफ़ी इंक्रीज हुआ है सिग्नेचर का, तो इसीलिए सिग्नेचर इज द क्लियर विनर। वीडियो कैसा लगा? अगर सच में अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज़ ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।